बस का किराया नहीं है। जब कॉलेज ज्वाइन करने के पहले या जिस महीने बस पास नहीं बन पाया तो लगता था कि उस दिन ठीक है आज साइकिल पे चले जाएंगे, क्या हो गया। अपना वॉकमैन था, उसमें अच्छे अच्छे गाने थे, अपने फिल्म सॉन्ग्स हिंदी वाले पापा कहते हैं। और अच्छी फिल्म जो होती है ना वो चलती ही है, वो अपनी ऑडियंस हमेशा ढूंढ लेती है। अगर उसको आप कंपेयर करोगे कि अरे पहला दिन जो है इसका 30 करोड़ नहीं हुआ है क्योंकि वो उसका बजट ही नहीं है, तो उसके बजट के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से आपको कंपेयर करना चाहिए। सम फिल्म्स टेक टाइम टू ग्रो बट वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पीआर इन टुडेज टाइम्स। लिख के स्टोरी, लिख के पिक्चर बनाएंगे। पैसा मैं खुद का नहीं लगाती, वो भूषण जी लगा रहे हैं। और जब वो बैठ के मजाक उड़ा रहे थे मेरा और तुषार का, मेरे को एकदम It was just very eye opening for me. 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्म हुआ एक उम्दा इंसान का। उसके पास दुनिया को देखने के लिए तो आंखें नहीं थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक ऐसा नज़रिया था जो शायद किसी और के पास नहीं। और अपनी इसी काबिलियत से वो इस मुकाम पर पहुंचा कि आज गुरुग्राम का एक आला कलाकार, अदाकार उनकी कहानी को दुनिया के सामने बयां करने जा रहा है। कहानी का नाम श्रीकांत और किरदार का नाम श्रीकांत बोला। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार सर, निधि मैम, आप दोनों का। और बहुत ही उम्दा फिल्म है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और राजकुमार सर, लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि दिल्ली में आप दोनों आए हैं, आपका तो बहुत पुराना रिश्ता है। सुनने में आता है कि आप वहाँ से दिल्ली आते थे, साइकिल से आप इवन यहाँ पर आते थे। तो मतलब क्या उस वक्त रहता क्या था माहौल एग्जैक्टली? कुछ नहीं, थोड़ा सा पैसों की तंगी थी घर पर, तो कई बार जब ऐसा होता था कि बस का किराया नहीं है। जब कॉलेज ज्वाइन करने के पहले या जिस महीने बस पास नहीं बन पाया तो लगता था कि उस दिन ठीक है आज साइकिल पे चले जाएंगे, क्या हो गया। अपना वॉकमैन था, उसमें अच्छे अच्छे गाने थे, अपने फिल्म सॉन्ग्स हिंदी वाले पापा कहते हैं। हाँ। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं, ये सब। अच्छा, जब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं निधि मैम, तो आपने जब इस फिल्म की स्टोरी को सुना तो पैसा लगाने के पहले क्या कुछ और दिमाग में आया कि मतलब हाउ इज द स्टोरी एंड अबाउट इट? नहीं, एक बार हमने रिसर्च कर ली और हमने माइंड मेकअप, एक बार श्रीकांत को मिल लिया और उसकी स्टोरी सुन ली तो आवर माइंड वाज मेड अप कि ये तो हम लिख के स्टोरी, लिख के पिक्चर बनाएंगे। पैसा मैं खुद का नहीं लगाती, वो भूषण जी लगा रहे हैं। पर स्टोरी एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके बाद लिखते हैं, लिखना शुरू कर दिया तो पिक्चर बन रही है। अच्छा राजकुमार सर, जब अपन रोल निभाते हैं, आप जब रोल निभाते हैं तो देखा जाए तो आप गुरुग्राम से और एक और किरदार है रणदीप हूडा से, लेकिन जब देखते हैं तो दोनों की पर्सनालिटी, टफ रोल के प्रति जो अप्रोच रहती है आप दोनों की सेम है कि टफ रोल करना है। तो ऐसा मतलब रहता है पहले से आप दोनों का डिसाइडेड कि नहीं भाई टफ आ रही है तेरे पास तो मैं भी टफ ही कर रहा हूँ अगला, ऐसा कुछ है? नहीं, आई थिंक इट्स अ हरियाणा थिंग, मुझे पता नहीं है। पर हाँ, बहुत मजा आता है यार जब कुछ चैलेंजिंग काम मिलता है कि कुछ ऐसा कुछ नया है इसमें, इससे पहले मैंने किया नहीं है, तो उसको करने में ज़्यादा मजा आता है। बावजूद इसके कि वो जो आप करते आ रहे हो वही करो। अच्छा, ड्यूरिंग द शूट जब श्रीकांत की बात करते हैं तो बहुत टफ रोल हो जाता है, ठीक है, कि मतलब वो इंसान जिसके बारे में मतलब जिसके पास दुनिया का एक गॉड गिफ्ट है, मतलब गॉड गिफ्ट मिला है उसे आसमान, लेकिन आप जब उसको निभा रहे थे तो वॉज देयर एनी इमोशनल पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको भी खुद से फील हुआ कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हुआ है, इस पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ है? आई थिंक सब कुछ ही। उन्होंने बहुत हार्डशिप देखी है लाइफ में, बहुत चुनौतियों का सामना किया है। जितने पुअर बैकग्राउंड से वो आते हैं और वहाँ से लेकर जो उन्होंने अचीव किया लाइफ में, ये जर्नी जो है अपने आप में इतनी कमाल की है कि वो उस पर तो फिल्म बननी ही चाहिए। मैं नहीं करता, ये नहीं बनाते, तो कुछ ना कुछ तो बनानी ही चाहिए थी, क्योंकि बहुत कुछ है इस जर्नी में, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है ये। और जिन्होंने जो हार्डशिप अपनी असल जिंदगी में देखी होंगी वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कि एक आदमी जो पढ़ाई के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है, कोर्ट्स में जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, बाहर चला गया पढ़ने, वहाँ पे एक नई दुनिया, नया वर्ल्ड विद हिज लिमिटेशंस, फिर आकर अपना बिजनेस करना, इट्स नॉट इजी। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो डेयर भी करेंगे सोचने का। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक छोटा सा सेक्शन है दिल के सवाल। हम सोचते हैं कि लोगों के पास काफ़ी सवाल होते हैं, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवाल पर आपके तक पहुंचने के लिए। तो पहला सवाल जो है मेरठ से दक्ष का है। सवाल वैसे तुषार सर के लिए था, तो आपसे जवाब चाहेंगे। निधि मैम, मैं तुषार सर की सभी फिल्म्स देखता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि मस्ती का अगला पार्ट कब आता है? मस्ती का अगला पार्ट आई डोंट नो, अगर ये तुषार से सवाल पूछना चाहिए, अब ये सवाल मिलाप से पूछना चाहिए। okay. क्योंकि लास्ट जो मेरे सामने आया था मिलाप मस्ती पे काम कर रहे थे उन्होंने किया, तो आई थिंक ये मिलाप जावेरी, आप इस सवाल का जवाब प्लीज दीजिए। अच्छा राजकुमार सर, आपके लिए अनुराधा का सवाल है जयपुर से कि आप और पत्रलेखा बहुत ही हिडन रहते हो, ना आपको पेपराजी स्पॉट कर पाते हैं और ना ही आप सोशल मीडिया पर पीडीए ज़्यादा बिलीव करते हो। सो हाउ इज़ इट गोइंग फॉर यू टू, मतलब क्यों इतना लो की रखना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते? नहीं, इतना लो की नहीं है। कभी हम ऑफकोर्स हम लोग वी बोथ आर होम बॉडीज, हमको घर पर रहना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना घर पर, जब हम दोनों ही अगर काम नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा हम बाहर जाते हैं कभी कभी और कभी कभी जो मिल जाते हैं कुछ पैप्स तो वो खींच लेते हैं फ़ोटो। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि हम पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं कि कैसे यू नो अपनी अपनी फोटोज अपने वीडियोस डालें सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारी अपनी भी पर्सनल एक जिंदगी है। अच्छा, अलाया के साथ आपने पहली बार काम किया, राइट? सो मोमेंट जो आइस ब्रेक होती है उस वक्त कैसे हुई आइस ब्रेक, मतलब व्हाट वाज द सिचुएशन? बहुत ही आई थिंक बहुत ही स्वीट लड़की है लाया और बहुत मेहनती है अपने काम के लिए। तो उसके एक्चुअली वो इतनी वो खुद इतनी ऐसी है ना कि आप उसको मोमेंट आइस ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी वुड कम एंड शी हैज दैट फ्री स्पिरिटेड नेचर यू नो एंड शी इज अ वेरी स्वीट वेरी वंडरफुल गर्ल। मतलब उनके साथ ऐसा नहीं होता कि थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है कुछ, या बहुत जल्दी शी इज अ पीपल्स पर्सन। ओके, अच्छा जब हम बिग बजटेड फिल्म्स की बात करते हैं तो वो भी आजकल बॉक्स ऑफिस पर जो है वो क्रैक नहीं कर पा रही, ठीक है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गई, तो जब श्रीकांत के बारे में आपको पता चला कि नाउ इट इज़ गोइंग टू, तो दिमाग में आया कि चलेगी या नहीं चलेगी फिल्म, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो सोच के फिर आप फिल्म साइन कर ही नहीं सकते हो कोई भी, बिकॉज एक तो आपको पता नहीं है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। आपको सिर्फ ये है कि क्या ये मेरे लिए चलेगा, मेरे लिए चलेगा ना, दौड़ेगा तो मैं करता हूँ इसको। वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि whether I am excited reading that script, whether I am happy being a part of this team, you know, with working with these makers, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके बजाय इसके कि क्या होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वो nobody knows। और अच्छी फिल्म जो होती है ना वो चलती है, वो अपनी ऑडियंस हमेशा ढूंढ लेती है। अगर उसको आप कंपेयर करोगे कि अरे पहला दिन जो है इसका 30 करोड़ नहीं हुआ है क्योंकि उसका बजट ही नहीं है, तो उसके बजट के हिसाब से रेशो के हिसाब से आपको कंपेयर करना चाहिए। Some films take time to grow, but word of mouth is the best PR in today's times. अच्छी फिल्म जो होती है उसकी बात होती है, लोगों तक पहुंचती है और लोग देखने आते हैं। आप दोनों जब पहली बार श्रीकांत भोला सर से मिले तो what were the 3 to 2 things जो आपको उनके बारे में fascinate करती, even from the movie, कि मतलब ये पर्सन इतना अलग है that you can learn from him this much. तो दो चीज़ें अगर आप दोनों बता पाए। I mean जब मैं पहली बार श्रीकांत से मिली थी, पहले तो जैसे कि तुम मिलते हो when you meet somebody who's visually impaired, अपने दिमाग में हमने बना के रखी हुई कंडीशनिंग कि इस टाइप की उनकी पर्सनालिटी होगी, ऐसे हो। पहले तो उन्होंने वो शैटर कर दिया एकदम से, when he walked in वो स्टिक के बिना अंदर आए, और उनकी पर्सनालिटी इतनी लार्जर देन लाइफ है। और जब वो बैठ के मजाक उड़ा रहे थे मेरा और तुषार का, मेरे को एकदम इट वॉज जस्ट वेरी आई ओपनिंग फॉर मी, बिकॉज आई सॉ हिम, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न अपने दिमाग में तुम उनको दया से, जैसे राज बोलते आ रहे हैं बहुत इंटरव्यूज़ कि दया से देखते हो, मेरे को लगता है कि वो दया के साथ वो लेस दैन बन जाते हैं कहीं दिमाग में। और जब वो तुम्हारे सामने बैठता है, ही मेड मी रियलाइज दैट ही इज़ मच मोर अकम्प्लिश्ड, उन्होंने मुझसे ज़्यादा कितना अकम्प्लिश किया हुआ है, उनका दिमाग मुझसे 10 गुना ज़्यादा तेज़ है, और मैं होती कौन उनको दया देने वाली, उनको मुझे दया देनी चाहिए बेचारी। और आपका क्या था पहला, जब आपने पूरा रोल निभाया तो 2 चीज़ें ऐसी जो आपने श्रीकांत से सीखी, बहुत सारी होंगी लेकिन फिर भी 2 जो आप अभी करंटली अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में? आई थिंक उनकी जो जिद है कि मुझे कुछ अचीव करना है तो करना है, और उनका ये कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उनका वो ज़्यादा इसके परवाह नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज़ समबडी हू इज़ वेरी फोकस्ड, हू इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, जो उनको अपना गोल बहुत क्लियर है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें हैं जो करनी है, और वो उसके लिए लगे हुए हैं, अपने ग्रेड के साथ लगे हुए हैं। एंड लास्ट की आपने 3 फिल्में की, ट्रैप्ड, उमरता और श्रीकांत, तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल कौन सा था? यार तीनों बहुत टफ थी, मतलब इट विल बी वेरी अनफेयर टू कंपेयर। ट्रैप्ड ऑफ कोर्स वाज फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली वेरी टफ, उमरता वाज मेंटली वेरी टफ, श्रीकांत अगेन फिजिकली एंड आल्सो इट्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन रियल लाइफ, तो वो एक जिम्मेदारी है, और जो हमारी फिल्म की एक लैंग्वेज है वो एंटरटेनिंग है, तो ऐसा ग्लूमी डल सैड फिल्म नहीं है हमारी। तो आई थिंक तीनों के अलग चैलेंजेस थे, हाउ टू बैलेंस यू नो दीज थिंग्स, तो तीनों ही टफ ही हैं। एक नहीं कांट चूज। अच्छा जाते जाते एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि श्रीकांत जो है जो आ चुकी है थिएटर में, क्या कुछ देखना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, व्हाट आर दे गोइंग टू सी न्यू इन दिस फिल्म, जो अब तक इंडस्ट्री ने देखा, ऐसा क्या होने वाला है इसके बाद? वो जो हमने ग्लोरीफाई नहीं किया है, जब बायोपिक आप देखते हैं तो हम हमेशा एक ग्लोरीफाइड वर्जन देखते हैं, वो सिर्फ भगवान ही होता है इंसान और वो ऊपर 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 चढ़ता है। हमने श्रीकांत का डाउनफॉल भी दिखाया है बीच में, हाउ ही गेट्स अ लिटिल कैरिड अवे विद हिज पावर एंड ही स्टार्ट्स बिकमिंग पावर हंग्री, तो वो जो उनका एक माइंडसेट है श्रीकांत, आई थिंक ये नया एक ग्रामर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बायोपिक्स में कि हम ग्रे कैरेक्टर दिखा रहे हैं। इज नॉट नेगेटिव बट all of us have shades of grey, all of us falter, and that's what we've shown, which is new, which is a new way of consuming a biopic. And इस तरह की inspiring like बहुत बार biopic आती है, especially किसी अगर physically कुछ limitation के साथ को character उसकी biopic आएगी तो बहुत आपको लगता है कि sad होगी, इसके लिए बहुत बुरा लगना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा पूरी फिल्म में। ऐसा नहीं है, हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा entertaining है, आपको बहुत ज़्यादा inspire करेगी, आपको smile भी कराएगी, बहुत अच्छे-अच्छे moments हैं। ऑफ कोर्स कहीं कहीं आपको इमोशनल भी करेगी, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर आपको जो चीज़ कह के जाएगी ना वो आप एक स्माइलिंग फेस के साथ जब बाहर निकलेंगे तो यू विल फील चार्ज्ड अप अबाउट इट। बट जब मैं ट्रेलर देखता हूँ ना तो वो पता लगता है कि राजकुमार राव नहीं लग रहे, इट्स एग्जैक्टली व्हाट श्रीकांत इज। तो मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर सच अ हार्ड रोल? मतलब कुछ अलग से प्रैक्टिस ली थी? इवन यू कॉल्ड हिम कि भाई व्हाट वाज द सिचुएशन इन हिज माइंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर? ये सब करना पड़ा, ऑफ कोर्स उनके साथ बहुत वक्त बिताना पड़ा टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ, बिकॉज़ उन्हीं की जिंदगी को हम जी रहे थे वापस पर्दे पर, तो उनके साथ बहुत वक्त बिताया। आस्क्ड हिम सो मेनी क्वेश्चंस एंड ही वाज वेरी ओपन एंड काइंड टू जस्ट टेल मी एवरीथिंग एंड आल्सो टू स्टडी हिम, यू नो, बिकॉज़ उनकी कुछ फिजिकल ट्रेट्स भी हैं तो उनको स्टडी करना कि वो कैसे होता है, फिर उसको अपनी जिंदगी में अपनाना, एवरीडे लाइफ का रूटीन बनाना कि ऐसा ना लगे कि मैं इमिटेशन कर रहा हूँ, इट शुड कम फ्रॉम विद इन मी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। क्या बात है। तो देखिए काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो निधि मैम और राजकुमार सर ने दे दिए, लेकिन बाकी सारे सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं, जिनका जवाब जाइए थिएटर्स में देखिए और हमें देखना ना भूलिए। इंडिया टीवी शोबिज़, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।